अब एक क्वेश्चन करना है जिसके अंदर हमारे पास थोड़ा बहुत सिनेरियो का केस आता है फ्लो चार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते थे। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। इन विच इनपुट मार्क्स अच्छा, तो ये है हमारे पास टाइप टू क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कोई भी काउंट की वैल्यू नहीं दी हुई कि भाई हमें इतने नंबर्स यूजर से इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊं, तो ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास बता दिया जाता था कि भाई हमें कितने नंबर्स को इनपुट लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें ये चीज बता दिया कि भाई इनपुट लेना है 300 नंबर्स को, ठीक है, और उसके बाद काउंटिंग करवानी है और ये सारी चीजें। लेकिन अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें नहीं बताया जा रहा कि भाई कितने नंबर्स को हमें इनपुट लेना है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है लूप इनफाइनाइट क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस के अंदर लूप भी लगेगा और इन क्वेश्चंस के अंदर हमें लूप का पता भी नहीं है कि कब लूप को स्टॉप करना है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं हम लूप इनफाइनाइट क्वेश्चंस। ओके सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास लूप इनफाइनाइट है। अब इसके अंदर से हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहली चीज इनपुट क्या लेनी है, मार्क्स। इस चीज के नीचे अंडरलाइन लगा लो, हमें मार्क्स को क्या करना है, इनपुट करना है। रेंज हमें बता दिया भाई, रेंज क्या है, 1 से 100। अगर यूजर हमारा 1 से 100 के बीच में ही नंबर डाल रहा है, अपने मार्क्स इनपुट कर रहा है बिटवीन 1 to 100, सही है, सिर्फ तभी हम उसके मार्क्स को कंसिडर करेंगे एज वैलिड, यानी कि हम उसके मार्क को वैलिड कंसिडर करेंगे और उसके मार्क्स को क्या कर लेंगे, सम करेंगे उसके मार्क्स का। ओके सर। और अगर 1 से 100 के बीच में मार्क्स नहीं है, फॉर एग्जांपल यूजर ने मार्क डाला 105, अब 100 मार्क के पेपर में 105 नंबर तो नहीं आते ना, तो इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके सर, ठीक है। और उसके बाद हमें ये बोला गया है कि भाई अब इन ऑर्डर टू टेल अस कि भाई ये कब हमें स्टॉप करना है लूप, तो हमें ये बताया गया कि अगर यूजर -1 को इनपुट देता है तो हमें क्या करना है, लूप को स्टॉप कर देना है। इफ अ यूजर गिव्स द इनपुट ऑफ -1, सिर्फ तब क्या होगा, लूप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे टोटल और रिजेक्टेड नंबर्स। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अपने पास साइड पे एक छोटा सा बॉक्स बना लो। और अब इस बॉक्स के अंदर हमें थोड़ी बहुत चीजें लिखनी है इन्हीं सारी चीजों के हवाले से। सबसे पहली चीज कि ये हमारे पास कौन सा लूप है, लूप इनफाइनाइट। इन लूप्स को करने का यही तरीका होता है कि हम इसका एक छोटा सा डेटा बॉक्स बना लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सबसे पहली चीज ये क्या है, लूप इनफाइनाइट है। सेकंड चीज, ये लूप स्टॉप कब होगा, लूप स्टॉप होगा व्हेन मार्क इज इक्वल्स टू -1, यानी जब यूजर मार्क्स में -1 इनपुट देगा तब जाके हमारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कितने मार्क्स तक की रेंज हमें गिवन है, 1 to 100, सो यानी मार्क्स
मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मार्क्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100, यानी हमारे मार्क्स 1 हो या फिर 1 से ऊपर होने चाहिए, 1 हो या 1 से ऊपर होने चाहिए, या फिर हमारे मार्क्स 100 हो या 100 से नीचे होने चाहिए। चौथी चीज हमें क्या बोला है कि भाई अगर रेंज के अंदर है तो हमें क्या करना है, सम को कैलकुलेट करना है। सम को कैलकुलेट कर कैसे करते थे हम, सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सम को कैलकुलेट कर लेंगे इफ वैलिड। अगर नॉट वैलिड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट करने हैं कि कितने नंबर रिजेक्ट हो रहे हैं। सही है, इफ नॉट वैलिड देन कैलकुलेट दी रिजेक्टेड नंबर्स। ठीक है, तो रिजेक्टेड नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया आर ई जे। सो आर ई जे इज इक्वल्स टू आर ई जे प्लस 1। क्यों, क्योंकि प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ काउंट करने हैं कि यूजर ने कितने ऐसे नंबर्स मुझे दिए हैं जो कि 1 और 100 की रेंज के बाहर है। ठीक है, अगर मुझे बोला जाता कि भाई कितने नंबर्स मेरे पास रिजेक्टेड हो रहे हैं वो टोटल नंबर बताओ, ये टोटल रिजेक्टेड नंबर्स का वर्ड अगर यहाँ पर यूज होता तो फिर मैं क्या करता, रिजेक्टेड इक्वल्स टू रिजेक्टेड प्लस मार्क्स। लेकिन यहाँ पर क्या चीज यूज हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स आर रिजेक्टेड। तो याद करो हाउ मेनी जहां पर भी लिखा हुआ हो, मैंने क्या बताया था, हाउ मेनी जहां पर भी लिखा हुआ आ जाए तो हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है। ठीक है, हाउ मेनी जहां पर भी लिखा हुआ आ जाए हमें क्या करना होगा, फिर काउंटिंग करनी होगी। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, रिजेक्टेड की जगह इतना बड़ा वर्ड रिजेक्टेड यूज करने की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक छोटा सा वर्ड आर ई जे यूज किया। ओके सर, हम यहाँ पे सम भी यूज कर सकते हैं, टोटल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ऊपर सम बोला है तो हम सम ही यूज करेंगे। चलो अब इसका फ्लो चार्ट फॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, स्टार्ट, और स्टार्ट किस में आएगा, ओवल शेप में। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले सारे वेरिएबल्स को सेट करवाना है। यहाँ पे हम कितने वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, सबसे पहला वेरिएबल है रिजेक्ट, सम से दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, और एक काउंट का भी वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके सर, सम के अंदर हमने क्या डाल दिया, जीरो, और रिजेक्टेड के अंदर हमने क्या डाल दिया, जीरो। काउंट में यहाँ पर यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये क्या है, लूप इनफाइनाइट है। ओके सर, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने डायरेक्ट यूजर से इनपुट लेना है। मैंने यूजर से इनपुट करवा लिए क्या, मार्क्स। अब मैंने यहां पर रेंज को सेट करना है कि रेंज क्या होनी चाहिए, 1 to 100 होनी चाहिए। ओके सर, अच्छा उससे पहले भी यहां पर मैं क्या करूंगा, मार्क्स इनपुट करने के बाद -1 का जो ये है इसकी एक कंडीशन लगाऊंगा कि भाई मेरा जो लूप है वो कहा क्या होना चाहिए, -1 पे स्टॉप होना चाहिए। कि भाई अगर मार्क्स मेरे -1 के इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इज मार्क्स इक्वल्स टू -1, अगर मार्क्स इक्वल हैं किसके, -1 के इक्वल हैं, तो क्या होगा, अगर मार्क -1 के इक्वल हैं तो यहां पर मुझे क्या करवाना पड़ेगा, अच्छा तो यहां पर मार्क्स वाली कंडीशन लगाने के बाद मेरे पास दो चीजें निकलेंगी। सबसे पहली चीज जो मेरे पास निकलेगी वो है यस, और एक है नो। अगर मार्क्स इक्वल टू -1 है, यानी यूजर ने क्या डाल दिया, -1 डाल दिया, तो होगा क्या, प्रिंट मुझे करवाना है क्या, टोटल और रिजेक्टेड, ये दो चीजें मुझे क्या करवानी है, प्रिंट, अगर यूजर ने क्या इनपुट कर दिया, -1। सो यहां पर मैं लिख दूंगा कि भाई प्रिंट करना है क्या, सम
सम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैं सम यूज कर रहा हूँ एज अ वेरिएबल, कॉमा रिजेक्टेड के लिए मैंने क्या यूज किया हुआ है आर ई जे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर भी नीचे क्या यूज करूंगा आर ई जे। जो वेरिएबल हम ऊपर यूज करेंगे वही वेरिएबल के नाम हमने प्रिंट करवाने होंगे। ये देखो जो से तुमने यहाँ पर वेरिएबल के नाम यूज किए हुए होंगे ना वही वेरिएबल के नाम तुमने प्रिंट भी करवाने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर तुमने सम और रिजेक्टेड के लिए आर ई जे यूज किया और नीचे तुम लिख दो टोटल कॉमा और रिजेक्टेड की जगह तुम लिख दो आर, या पूरा रिजेक्टेड लिख दो, ये तो उससे होगा क्या? ऐसा हम करते क्यों है, क्योंकि सम और आर ई जे ये दो हमारे पास क्या है वेरिएबल्स हैं, और इन्हीं के अंदर हमने क्या स्टोर कराई हुई है अपनी वैल्यूज स्टोर करवाई है। सो अगर मैं किसी भी एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, इसके अंदर मैंने 10 को पहले से स्टोर करवाया हुआ है, यानी आर ई जे के अंदर मेरे पास क्या स्टोर हुआ है 10 पहले से स्टोर हुआ है, और जब मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं उसकी जगह प्रिंट करवा दूं आर। सो आर के अंदर तो मेरे पास कुछ भी नहीं स्टोर हुआ हुआ, अगर मैं आर वेरिएबल की बात करूं तो ये तो आर वेरिएबल मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? क्योंकि मैंने इसको कुछ इनिशियलाइज करवाया ही नहीं है, और जो सभी वेरिएबल है उसको मुझे क्या करवाना पड़ता है इक्वल्स टू जीरो करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी वेरिएबल को खाली अंदर से नहीं छोड़ सकते, उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, हमें उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पुरानी डालनी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या डालते हैं जीरो इनपुट करते हैं, ठीक है। तो जिस भी वेरिएबल के अंदर जो सी वैल्यू पहले से स्टोर हुई भी होगी, फॉर एग्जांपल जो सभी वेरिएबल तुमने यूज करना है यहाँ पर ऊपर, वही वेरिएबल तुमने क्या करना होगा लिखना होगा किसमें, प्रिंट करना होगा, सही है, प्रिंट के आगे लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर सारी वैल्यूज तुम्हारे पास स्टोर हुई है, अगर इसी जगह कुछ और लिखोगे तो उसमें तो तुम्हारे पास कुछ स्टोर ही नहीं हुआ या फिर वो चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो फिर हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवाने के बाद हमने इसको पूरे फ्लो चार्ट को एंड करवा दिया जैसे हम करवाते हैं। अच्छा, अगर हमारे जो यूजर ने मार्क्स इनपुट किया है वो -1 नहीं है, फॉर एग्जांपल यूजर ने मार्क्स में इनपुट कर दिया -2, ठीक है, या फिर मार्क्स में इनपुट कर दिया 100, सही है, तो उसके लिए भी हमें क्या डालवाना पड़ेगा एक और हमें यहाँ पर कंडीशन बॉक्स लगाना पड़ेगा। उसका पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस ये होगा कि वो कंडीशन बॉक्स हमें क्या बता रहा होगा कि भाई यहाँ पर यूजर ने हमें जो मार्क्स इनपुट किया है एक्सेप्ट ऑफ -1 उसको हमें रिजेक्ट करना है या फिर उससे हमें सम लेना है, ठीक है। तो ये चीज हमें दूसरा कंडीशन बॉक्स बताएगा, और ये कंडीशन बॉक्स कहाँ पर आएगा? डायरेक्ट इसके नीचे, ताकि हमारा जो यूजर मार्क्स इनपुट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने -2 इनपुट कर दिया, वो -2 इधर से तो फिल्टर आउट हो जाएगा नो में, लेकिन फिर नीचे जाके जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर अगली ही स्टेप में डिसीजन बॉक्स नहीं डाला तो हमारे एल्गोरिथम को पता ही नहीं चलेगा कि भाई सम करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है, एल्गोरिथम क्रैश कर जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर एक नया डिसीजन बॉक्स लगा देंगे। उसके अंदर हमने क्या डिसीजन लगाना होगा कि हमारा जो मार्क्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, मैथ्स के अंदर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख रहे होते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर हम जो जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे, सही है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी हमारा जो मार्क्स होना चाहिए वो या तो 1 होगा या फिर 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया और करने के बाद यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन डाल दी, एक ही कंडीशन बॉक्स के अंदर दो कंडीशंस डाल सकते हैं, तो ये आ गई दूसरी कंडीशन कि मार्क्स इज लेस देन इक्वल्स टू 100, या तो मेरे मार्क्स जो है क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होने चाहिए, या फिर यानी 1 और 1 से ज्यादा होने चाहिए, या फिर मार्क्स क्या होने चाहिए 100 या 100 से कम होने चाहिए। ये बात समझ आ गई? जी सर, ठीक है, यस। अगर यहां से भी दो इनपुट निकलेंगे यस और नो, सो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इस कंडीशन के फुलफिल होने से हमें क्या करना था, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी तो हमें क्या करना था, सम करना था। सो सम के लिए हमने यहाँ पर टोटलिंग की टेक्निक यूज करनी है, सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। ठीक है, क्या मतलब, अभी जब मैं इसका पूरा ड्राई रन करूंगा तो ना ये चीज समझ में आ जाएगी। सर नो में क्या होगा, नो में हमने कैलकुलेट करना होगा रिजेक्टेड वैल्यूज। नो का मतलब है कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही,
यानी यूजर ने जो मार्क्स इनपुट किए हैं या तो फिर वो 100 से ऊपर है, यानी 101 है, 102 है, 200 है, या फिर कोई भी नंबर अबव 100, या फिर जो यूजर ने इनपुट दिया है वो क्या है, 1 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल -2, -3, -15, इस तरीके का। सो इन टाइप की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट इक्वल्स टू रिजेक्ट प्लस 1। क्यों यहाँ पर प्लस 1 लगाया, क्योंकि हमें काउंट करने को बोला है। अच्छा ये देखो, आर ई जे इज इक्वल्स टू आर ई जे प्लस 1 हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स आर रिजेक्टेड। हाउ मेनी में क्या आता है, हमेशा काउंटिंग आती है, यानी हमें रिजेक्टेड नंबर्स को काउंट करना है। रिजेक्टेड नंबर्स कौन से हैं, जो कि 1 से 100 के बीच में नहीं है, ठीक है। सो नंबर्स विच आर नॉट इन द रेंज, यानी वो नंबर्स जो कि 1 और 100 के बीच में नहीं है, उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट अज्यूम करेंगे, और उन रिजेक्टेड नंबर्स को काउंट करेंगे कि भाई यूजर ने कितनी दफा रिजेक्टेड नंबर इनपुट किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्योंकि रिजेक्टेड नंबर्स को काउंट कर लिया है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें इस लूप को आगे तक चलाते रहना है, अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जल्दी से इसको ऊपर से ले जाके कनेक्ट कर देंगे इनपुट नंबर से, ताकि हमारा जो लूप है वो क्या रहे, फंक्शनल रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का। चलो अब इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट कर लिया फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के बाद हमने सम की वैल्यू रख दी 0, रिजेक्टेड की वैल्यू क्या रख दी 0, ठीक है। दोनों को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0। क्यों, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हम नीचे आए, हमने नीचे आके क्या करा, इनपुट करवा दिए मार्क्स, यानी हमने यूजर को बोला कि भाई यूजर तुम क्या करो, कोई से भी मार्क्स को इनपुट करो, यानी जो भी तुम्हारे मार्क्स आए तो वो तुम क्या कर दो, इनपुट कर दो। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर यूजर ने इनपुट कर दिया 51, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि यूजर के मार्क्स क्या है, 51। यूजर ने इनपुट कर दिया 51। अब इसके बाद ये जो 51 यूजर ने इनपुट किया है, ये किधर जाएगा, नीचे, और नीचे जाकर यहाँ पर इसके ऊपर एक सबसे पहली कंडीशन अप्लाई होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, कि क्या यूजर ने जो मार्क्स इनपुट किए हैं, क्या वो मार्क्स इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। यानी यूजर ने क्या इनपुट दिया है, यूजर ने इनपुट दिया है यहाँ पर 51। तो क्या 51 इज इक्वल्स टू -1? सो आंसर क्या है, नो। ये आंसर देखने के बाद हम किधर चले जाएंगे, हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। नीचे जाकर यहाँ पर अब एक दूसरी कंडीशन अप्लाई होंगी 51 के ऊपर, जो कि यूजर ने 51 के ऊपर जो कि यूजर ने हमें दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई होगी 51 के ऊपर, जो कि यूजर ने हमें मार्क्स दिए हैं। तो क्या 51 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? सही है कि जो यूजर ने हमें 51 दिया है, क्या वो 1 से बड़ा है? तो इसका आंसर क्या है, यस। और तो यहां पर ना और की जगह एंड लगा दो, ठीक है। एंड लगाने की क्या वजह है, कि यहां पर हमारे पास ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी, यानी मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और मार्क्स इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ये दोनों कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। इन दो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मिडिल में एंड लगा दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां होती है, माइनर गलतियां, जिससे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। सो मार्क्स में क्या आ गया, 51। सो क्या 51 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? यहाँ पर सेकेंड वाली जो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, क्या 51 लेस देन इक्वल टू 100 है, यानी 51 जो है वो 100 से छोटा या 100 के बराबर है। तो ये भी क्या हो गया, इसका भी क्या है, यस। क्यों, क्योंकि 51 हमारा 100 से क्या है, स्मॉल है, और 51 हमारा 1 से क्या है, लार्ज है। तो इस वजह से हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, यस, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। ये बात समझ आ गई, यस सर। अच्छा फिर यहाँ से हम आगे गए, और यहाँ पर क्या हो गया, सम प्लस मार्क्स। सम में देखो क्या हमने डाला हुआ था, 0। मार्क्स ऐड हो जाएंगे 0 प्लस 51। तो 0 प्लस 51 सम की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 51, ठीक है। सम की न्यू वैल्यू क्या आ गई, 51। फिर यहां से निकल के हम दोबारा से किधर चले गए, ऊपर की तरफ वापसी चले गए, और यूजर से बोला भाई यूजर दूसरा नंबर हमें इनपुट दो, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई। अब आते हैं दूसरे के ऊपर। अब यूजर ने क्या किया, यूजर ने हमें एक और मार्क्स दिए। इस दफा यूजर ने हमें जो मार्क दिया वो क्या है, 210। सम की वैल्यू अभी क्या है, 51 है, ठीक है। सम की जो न्यू वैल्यू है वो क्या है, अभी 51।
और यूजर ने हमें न्यू बी मार्क्स दे दिए क्या 210। अब ये मार्क्स इधर नीचे आएंगे और इधर नीचे आके हम इसको चेक करेंगे क्या 251 इक्वल है माइनस वन के, सॉरी क्या 210 इक्वल है माइनस वन के। सो आंसर क्या है? नो। तो यहाँ पे हमें प्रिंट या प्रिंट नहीं करना सम को या रिजेक्ट को, और हम किधर चले जाएंगे? नीचे। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई होंगी। ये कंडीशन कैसे अप्लाई हो रही है? क्या 210 ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, और क्या 210 लेस देन इक्वल टू है 100 के। सो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है कि भाई 210 ग्रेटर है किसके, 1 के। लेकिन ये जो दूसरी वाली कंडीशन है 100 वाली, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही, या फिर ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि 210 100 से क्या होता है? छोटा होता है। ओ सॉरी, बड़ा होता है। सर 210 इज ग्रेटर देन 100। हाँ, तो इस वजह से हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये भी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, अब क्योंकि ये यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, अच्छा तो यहाँ पर क्योंकि एंड लगा हुआ है, और एंड के लिए हमने लॉजिक गेट्स में क्या पढ़ा था कि जो दो कंडीशंस के बीच में अगर एंड लगा हुआ है तो यानी दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सो अब क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, सो हम येस की तरफ नहीं जाएंगे, हम किधर चले जाएंगे? नो पे। नो पे जाने पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? रिजेक्ट मिल रहा है। रिजेक्ट की पुरानी वैल्यू क्या है ऊपर? जीरो। ये देखो, रिजेक्ट की पुरानी वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहाँ पे हमें रिजेक्ट को काउंट करना है कि कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर आर रिजेक्टेड। सो ये पहला नंबर है जो कि रिजेक्ट होगा, तो यहाँ पे रिजेक्ट इक्वल्स टू रिजेक्ट प्लस वन। सम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सम की वैल्यू वही 51 रहेगी, और रिजेक्ट होने के बाद ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा यूजर के पास। चलो, उसके बाद दोबारा से फॉर द थर्ड टाइम रिजेक्ट की न्यू वैल्यू हो गई है 1, सम की वैल्यू हो चुकी है 51। हमने बोला भाई यूजर तुम हमें दोबारा से कोई ना कोई इनपुट करो मार्क्स, यूजर ने मार्क्स इनपुट कर दिए -1। तो ये इधर नीचे की तरफ आया, पहली कंडीशन इसके ऊपर लगेगी कि क्या यूजर ने जो मार्क्स इनपुट किए हैं वो इक्वल है -1 के। सो यूजर ने हमें क्या इनपुट दिया है? -1। सो क्या -1 इक्वल्स टू -1 है? आंसर क्या हो गया? यस। सो इधर से येस पे आके हमें क्या करना है? प्रिंट करवाना है सम और रिजेक्ट। ठीक है, सो यानी जो अब यूजर की स्क्रीन होगी, इस यूजर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा क्या? सम इक्वल्स टू 51, रिजेक्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही हुआ था पिछले दो दफा, क्योंकि दो इनपुट मिले, एक एक्सेप्ट हो गया और एक रिजेक्ट हो गया। सो हमने जो थर्ड इनपुट यूजर ने हमें दिया वो क्या है? -1। सो -1 पे हमने क्या करा है? लूप को टर्मिनेट करवा दिया, लूप को स्टॉप करवा दिया, और प्रिंट करवा दिया क्या? सम और रिजेक्ट। और फिर हमारा फ्लो चार्ट क्या हो गया? एंड हो गया। और यूजर की स्क्रीन पे क्या आ गया? सम की एक वैल्यू आ गई और रिजेक्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो आ गई। क्या ये वाला फ्लो चार्ट समझ आ गया? Subscribe to CS by Hamza if you find any value in it. Thank you for watching.